शुभ होला बोल प्रोल रोहो काबिशो प्रार्थना करेंगे मैं सारी कलीसिया के लिए जीवन दो और पवित्र कुर्बाना अर्पित करने के योग्य बन जाओ प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन इस सर्प से प्रसन्न हो और तुम्हारे कुर्बाना को ग्रहण कर हमें तुम्हारे सहभागी बनाए दया की प्यासे हम मारे बनिया
प्रभु तुम्हारी जननी मरियम और तुम्हारे स्नापक योहन हमारी मध्यस्थ है, हम पर करुणा करे। अपने कृपा से सारे मानव जाति के जीवन और रक्षा के लिए पवित्र महिमापूर्ण ईश्वर की जननी मरियम से शरीर धारण कर विमला के मनुष्य बन हमारे लिए क्रूस और अपने मृत्यु से हमारी मृत्यु को कुचल करवाने वाले हमारे मसीह स्वर्गस्थ पिता के इकलौते पुत्र राजा हे मेरे प्रभु, मैं तुम्हारा गुणगान करता हूँ, हम सबों पर करुणा करे। Yeah.
मेरे प्रिय भाई बहनों, रोमियो के नाम प्रेरित पौलुस के पत्र से बरकमा प्रेरित के प्रभु को सुने, उनकी करुणा हम पर सदा बनी रहे। अयो मेरे हार्दिक अभिलाषा और ईश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि इस्राएल मुक्ति प्राप्त करे। मैं उनके विषय में साक्ष्य दे सकता हूँ कि उनमें ईश्वर के प्रति उत्साह है, किंतु ये उत्साह विवेकपूर्ण नहीं है। वे वह धार्मिकता नहीं जानते जिसे ईश्वर चाहता है, और अपनी धार्मिकता की स्थापना करने में लगे रहते हैं। इसलिए उन्होंने ईश्वर द्वारा निर्धारित धार्मिकता के अधीन रहना स्वीकार किया, क्योंकि मसीह संहिता को परिपूर्णता तक पहुंचाते हैं और प्रत्येक विश्वास करने वाले को धार्मिकता प्रदान करते हैं। बरकमो हमारे समुख पर जाने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र अंगे ईश्वर के जीवन वचनों को हम शांति भक्ति और ध्यान से सुने। शांति आप सबों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ भी। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र एवंगेलियों जीवन दायक संदेश जगत में जीवन और रक्षा के प्रकोषक मत्ती द्वारा रक्षा के लिए उन्हें भेजने वाले को सुने। हम सबों पर उनकी करुणा सदा रहे। हमारे प्रभु ईश्वर रक्षक यीशु मसीह जीवन के वदन ईश्वर, जिन्होंने पवित्र कुवारी मरियम से शरीर धारण किया, उनके रक्षागम योजना के काल में इस प्रकार हुआ। हम विश्वास करते हैं और स्वीकार करते हैं। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उड़ा कर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे को देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन को देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इसे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गावा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। शांति आप सबों के साथ हो।
अपने प्रभु से करुणा एवं कृपा की याचना करें। हे करुणामय प्रभु, हम पर करुणा करें और हमारी सहायता करें। स्तुति कृतज्ञता महिमा सम्मानो सदत गौरव सदैव सपी पलोमो सपी काल में हमें अर्पित करने के योग्य बनाए। धन्य हे वह आनंददायक कुर्बाना और महनीय हे वह मधुर फल जो अर्पित किया गया था, जिन्होंने हमारे लिए पाप परिहार अर्जित किया और जो अपने पवित्र करने वाले बलिदान से हमें पवित्र करते हैं। ईश्वर का मेमना जो कुवारी से जन्मा, क्रूसारोहण द्वारा रक्षा दिलाकर जिसने पशु बलियों से हमें स्वतंत्र किया, बहुस्तुति सम्मान और आराधना के योग्य है। इस ईश्वरीय कृतज्ञता के समारोह में और सभी समारोहों में काल में बलों में समय में और हमारे जीवन के सभी दिनों में और सदा सर्वदा बकुलहुन्यौमो सोदहाये लवल्मिन। आमीन। बारकिनो करुणामय प्रभु के समो पाप परिहार दायक गुरुदेव के समो ईश्वरीय और स्वर्गीय रसल के समो और विस्मयनीय पवित्र नाथा के समो किया जा रहा है। हम सब प्रार्थना करें और अपने प्रभु से कृपा करुणा और कृपा की याचना करें। हे करुणामय प्रभु, हम पर करुणा करें और हमारी सहायता करें। पाप परिहार निर्मल एवं क्षमा करने वाले और हमारी बुराइयों का निर्मार्जन उन्मूलन और विस्मरण करने वाले हे प्रभु ईश्वर, अपने प्रेम की करुणा से मेरे असंख्य और खोर पापों को और तुमने विश्वास करने वाले सब जनों के पापों को मिटा दे। हे कृपालु और भले प्रभु, हम पर करुणा करें। हे प्रभु ईश्वर, अपनी करुणा से हमारा स्मरण करें और हमारे माता पितावों भाई बहनों नेताओं गुरुजनों एवं सभी मृतजनों और तुम्हारी पवित्र कलीसिया की संतान सभी विश्वासी मृतजनों की आत्माओं का भी स्मरण करें। उनके प्राणों आत्माओं और शरीरों को विश्राम प्रदान करें और अपनी करुणा और कृपा के ओस्कन उनकी अस्थियों पर छिड़क दे। हे मसीह हमारे राजा, प्रभु हमारे प्रभु, महिमा के प्रभु, उनके लिए और हमारे लिए तुम की क्षमा एवं क्षमा प्रदाता हो। हे मेरे प्रभु, हमें सुनिए और हमारी सहायता करने के लिए विराजमान हो। हमारी रक्षा करें और हमारी प्रार्थनाएं और याचनाएं स्वीकार करें
ईश्वर अपनी करुणा से सारे कर्ण दंडों को हमसे हटा दी। हे प्रभु अपनी करुणा द्वारा क्रोध के प्रहारों को हमसे दूर करे। तुम्हारी शरत के अनियोग्य प्रीति जनक और स्वीकार्य क्रिस्तीय पूर्णता हमें अपनी समृद्धि से प्रदान करी। हमें भी एक शुभ और पवित्र अंत के योग्य बनाई। हम तुम्हें स्तुति और कृतज्ञता अर्पण करेंगे अभी सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर जो पूर्ण हृदय से पुकारने वालों की स्तोत्र याग स्वीकार करते हैं, अपने पापी सेवकों के हाथों से धूप स्वीकार करें। हमें अपने पवित्र बलिपीठ के निकट ले आए। हमारे पापों में एवं तुम्हारी प्रजा के अधिक्रमों के लिए आध्यात्मिक याग और कुर्बाना तुम्हें अर्पण करने की शक्ति हमें प्रदान करी। हम भी तुम्हारे लिए स्वीकार याग बने, इसके योग्य हमें बनाए। तुम्हारी उत्तम आत्मा हम पर इन समर्पित भेड़ों पर एवं तुम्हारे सभी विश्वासी जनों पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के सरीये निवास करी। उनके साथ और तुम्हारे पवित्र आत्मा के साथ तुमको महिमा सम्मान और आधिपत्य उचित है अभी सदा सर्वदा। होशो बाप कुलस्बान लवलमिन। प्रभु आपकी सेवा स्वीकार करे और आपकी प्रार्थनाओं से हमारी सहायता करे। ईश्वर से हमें कर्जों की माफी और पापों का मोचन दोनों लोगों में प्राप्त हो सदा सर्वदा। मैं बलहीन और पापी सेवक करता हूँ, पावन हे पिता पावन। पावन हे पुत्र पावन। पावन हे जीवंत आत्मा पावन जो अपने इस पापी सेवक के धूप को पवित्र करते है और हमारी आत्मा ओंब हमारे माता पिता भाई बहन नेताओं गुरुजनों एवं सभी मृतजनों और पवित्र कलीसिया की संतान सभी विश्वासी मृतजनों की आत्माओं को क्षमा करते हैं और करुणा दिखाते हैं दोनों लोगों में सदा सर्वदा। हम विश्वास करते हैं ईश्वर में सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी दृश्य और अदृश्य सकल के सृष्टिकर्ता और एक प्रभु यीशु मसीह में ईश्वर के इकलौते पुत्र अनादि में पिता से जन्मे प्रकाश से प्रकाश सतीश्वर से सतीश्वर जन्मे किंतु सृष्टि नहीं पिता के सब एक सब जिनके जरिए सकल सृष्ट हुआ है जो हम मनुष्यों के लिए और हमारी रक्षा के लिए स्वर्ग से उतरे पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर की जननी
पवित्र कुआरी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बने, जो हमारे लिए पुत्र उस पिलातुस के काल में क्रूसित हुए, पीड़ा सहे, मर गए और दफनाए गए, तीसरे दिन अपने दिव्य इच्छानुसार पुनरुत्थित हुए एवं स्वर्गारोहण कर पिता के वाहिने विराजमान है, जो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महामहिमा में फिर आएंगे, जिनके राज्य का अंत नहीं होगा। और एक जीवन पवित्र आत्मा में प्रभु एवं सबके जीवन दाता, जो पिता से निर्गत है और पिता एवं पुत्र के साथ आराधित एवं महिमान्वित है, जो नबियों रीतों के जरिए बोले हैं और पवित्र कैथोलिक प्रेरित कलीसिया में, और हम पाप मोचन के लिए एक बपतिस्मा की घोषणा करते हैं, और मृतकों के पुनरुत्थान और आने वाले युग के नए जीवन की प्रतीक्षा में रहते हैं। आमीन। ये समय समय नमस्कार का पुण्य समय, ये करुणा का समय, उन्नत स्थान में आज करती है यागर पर आज, भक्तों की ही हित के लिए शांति का मिलने का भी ये है समय। बाकिनोस तंगानोस कुरे हे प्रभु, अपनी गलीसिया एवं धर्म प्रांत और अपनी भेड़ों को समृद्धि शांति और शाश्वत प्रेम निरंतर प्रदान करें। हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे, आप ही सदा सर्वदा। शांति आप सबों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ भी। बारक लोहर हमारे प्रभु ईश्वर के प्रेमी पवित्र ऋषि शांति का चुंबन अपने प्रतिवासी को दे। प्रभु ईश्वर हमें आजीवन इस शांति के योग्य बनाए। इस पवित्र ऋषि शांति को देने के बाद करुणा में प्रभु के समूह हम अपने सुनवाए। हमारे प्रभु हमारे ईश्वर तुम्हारे समूह। हे प्रभु, हम सबको आशीष प्रदान करें, मोर शांति प्रिय व्यक्तियों के शुभ अंत के योग्य हमें बनाए। हम तुम्हें मोर तुम्हारे एकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे, आप ही सदा सर्वदा। हे प्रभु, जो मिसना फ्रा के शरीर तुम्हें अर्पित करते हैं,
हमें पापमय वासनाओं से दूर करें और धार्मिकता के कर्मों का परिचय प्रदान करें। हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा। शांति मिली और कृतज्ञता है उबो दलो हो अबो पिता ईश्वर का प्रेम निकलौते पुत्र की कृपा और पवित्र आत्मा का संसर्गो रावास मेरे प्रिय भाई बहनों आप सबों के साथ सर्वदा रहे। आत्मा के साथ इस समय हमारे मन विचारों हृदय ऊंचाइयों पर होम जहां मसीह पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। हम भक्ति पूर्वक प्रभु का धन्यवाद करें। हे प्रभु तुम्हारे अदृश्य समूह मोर संग सेनावों संग आध्यात्मिक रूप में सम्मिलित होकर सराफों के समान तुम्हारे समस्त विश्वासीगण तीन बार उच्च स्वर में घोषित करते हुए कहते हैं पवित्र 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 शक्तिमान प्रभु ईश्वर तुम्हारी महिमा से स्वर्ग और पृथ्वी परिपूर्ण है ऊंचाइयों में होशाना धन्य है जो प्रभु ईश्वर के यहाँ पर आए और आने वाले हैं ऊंचाइयों में स्तुति। जब वे जो पाप रहित दे हम पापियों के प्रति स्वेच्छा से मृत्यु ग्रहण करने को तैयार हुए और जग के जीवन और रक्षा के लिए विश्वास खातित हुई उस रात उन्होंने अपने पवित्र निष्कलंग और निर्मल हाथों में रोटी ली और हे पिता ईश्वर तुम्हें दिखाया और धन्यवाद दिया। आशीष दिया पवित्र किया भंजित किया और अपने शिष्य संत प्रेरितों को देते हुए कहा लो इसमें से खाओ यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए और अनेकों के लिए भंजित है और पाप मोचन एवं नित्य जीवन के लिए दिया जाता है वल्हाए दल्वो लमोलमिन आमीन।
उसी प्रकार भोजन के बाद मिश्रित किए गए दाक्रस और जल का कासा लिया और धन्यवाद दिया। बारक आशीष दिया, पवित्र किया, अपने शिष्य संत प्रेरितों को देते हुए कहा, लो तुम सब इसमें से पियो, यह नूतन व्यवस्थान का मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए और अनेकों के लिए बहाया गया है और पाप भोजन एवं नित्य जीवन के लिए दिया जाता है। शासन देते हुए कहा, जब भी तुम इनमें भाग लोग मेरी मृत्यु दफन और पुनरुत्थान का मेरे आगमन तक स्मरण करो। हे हमारे प्रभु, हम तुम्हारी मृत्यु का स्मरण करते हैं, तुम्हारे पुनरुत्थान को स्वीकार करते हैं, तुम्हारे द्वितीय आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारी करुणा हम सबों पर हो। हे प्रभु, तुम्हारी रक्षा करने योजना के विस्मयकारी चमत्कार और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल देने वाले तुम्हारे आगमन के भयजनक चिन्ह हमसे भूले नहीं जाते, इसलिए तुम्हारी कली से और विश्वासीगण तुमसे और तुम्हारे द्वारा और तुम्हारे साथ पिता से याचना करते हुए कहते हैं, हे ईश्वर सर्वशक्तिमान पिता, हम पर करुणा करें। हे प्रभु, इसके साथ तुम्हारे बलहीन और पापी सेवक तुम्हें धन्यवाद देते हुए सबों के प्रति तुम्हारी दया को हम सबों के लिए स्वीकार करते हैं। हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, हम तुम्हारी आराधना करते हैं और प्रभु ईश्वर हम तुमसे विनती करते हैं, फले प्रभु हम पर दया कर करुणा करे। शांति और समृद्धि हमारे साथ है। प्रभु मुझे उत्तर दे, प्रभु मुझे उत्तर दे, प्रभु मुझे उत्तर दे कर दया कर हम पर करुणा करे। कुरे लाई सो और वे पवित्र आत्मा इस रोटी को हमारे मसीश्वर का शरीर बनाकर परिपूर्ण कर दे। आमीन। और वे पवित्र आत्मा इस कासा को हमारे मसीश्वर का रक्त बनाकर परिपूर्ण कर दे।
हे प्रभु ये रहस्य में भाग लेने वाले हमें तुम्हारे साथ आनंदित कर दे। हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा। बारक मोर हमारे प्रभु ईश्वर से हम याचना और प्रार्थना करें। सारे और पहले ईश्वर की कलीसियाओं को चरा करने पर देने वाले हमारे संत परमात्मा के लिए सर्वप्रथम हमारे संत पिता बाबा फ्रांसिस और हमारे कलीसिया के शीर्ष और पिता मोरन मोर बसेलियोस के लिए कैथोलिकोस के लिए और हमारे धर्माध्यक्ष और बंदपास के लिए और सत्य विश्वासी सभा धर्माध्यक्षों के लिए याचकों उपयाचकों संन्यस्तों के लिए और संपूर्ण क्रिस्तीय कलीसिया के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। पाशनियों के मुंह को बंद करें और खामोश करें जिससे वे हमारे विरुद्ध बुरा बोलते हैं, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा। स्मरण करते हैं विशेषकर जो परीक्षाओं में पड़े हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु जरूरतमंदों की विदा, गरीबों की कराह याद दोंगी यादना, और मर्द दोंगे दर्द से उदासीन रहकर निशब्द न हो, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे आप ही सदा सर्वदा। शासकों का स्मरण करते हैं, ताकि वे हमें सही मार्ग पर चलाए, हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु तुम्हारे आध्यात्मिक सियोन की परिक्रमा करके उनके बुर्जों की गणना करने वालों को भयभीत कर चिन्न भिन्न कर दे, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे आप ही सदा सर्वदा। आमीन। और फिर हम पवित्र महिमा पूर्ण बन नित्य गुवारी एवं ईश्वर की जननी मरियम के और हमारे पिता प्रेरित नबियों प्रेरितों प्रवक्ता सुषमाचार शहीदों और विश्वास साक्षियों का स्मरण करते हैं, उनकी प्रार्थना हमारे लिए जग बने, हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु कृपा पूर्वक हमें और हमारे मृद विश्वासियों को तुम्हारे संतों के लिए रखी गई महनीय कृपा के योग्य बना दें, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा। और फिर हम संत पिताओं और मान्य धर्म गुरुओं का स्मरण करते हैं, जिन्होंने परमात्मा के प्रेरित एवं एक सत्य विश्वास का पालन कर हमें सौंपा है,
उनकी प्रार्थनाएं हमारे लिए गढ़ बने, हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु संत पितावों के सामीप्य से हमें दूर न होने दे, जिस कारण हम कृपा की संतान और तुम्हारे इकलौते पुत्र के भाई बहन बने हैं, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा। और फिर हम प्रेम और सत्य विश्वास में मृद होकर हमसे दूर हुए सबों का स्मरण करते हैं, उन्हें कर्जों की माफी और पाप मोचन के योग्य बनाने के लिए एवं हमें और उन्हें स्वर्ग राज्य में ले चलने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें और तीन बार कुरेलाय सोन कहें। कुरेलाय सोन, कुरेलाय सोन, हे प्रभु तुम्हारे कारण जब वे मृत्यु से रक्षा पाई, पाताल से मुक्त हो और धूल से उड़ा लिए जाए, तब तुम्हारे इकलौते पुत्र की कृपा उनमें प्रबल हो, उनके द्वारा प्राप्त होने वाली कृपा और पाप मोचन स्वीकार करने के लिए हम और वे उन्हीं में शरण लेते हैं। ईश्वर मोचन और विश्राम प्रदान करे, इच्छा निच्छा से जाने और अनजाने में हमारी और उनके द्वारा तुम्हारे सामने की हुई गलतियों को माफ करे। हे प्रभु सार्वजनिक पुनरुत्थान के नवीकरण के साथ तुम्हारे आध्यात्मिक राज्य के आनंद के लिए अपनी कृपा से हमें और उन्हें योग्य बनाए, ताकि सर्वाधने तुम्हारा धन्य नाम हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के नाम के साथ जैसे सब में है वैसे ही महिमा निविद और प्रशंसित हो। जैसे दाव वैसे है पीढ़ी दर पीढ़ी युगानुयुग सदा सर्वदा। शांति आप सब होंगे साथ हो, आपकी आत्मा के साथ भी। महान ईश्वर हमारे रक्षक यीशु मसीह की करुणा, मेरे प्रिय भाई बहनों आप सबों के साथ सर्वदा रहे।
बार्क मोर हम प्रभु से याचना करे सो। हे प्रभु हमारे मोहर होठ खोल दे, हमारी आत्मा और शरीर को पवित्र करे, हमारे मन और बुद्धि को निर्मल कर दे, ताकि हम हे करुणामय पिता ईश्वर तुमसे विनती पूर्वक घोषित कर प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में हे, तुम्हारा नाम पवित्र किया जाए, तुम्हारा राज्य आए, तुम्हारी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारी जरूरत की रोटी आज हमें दे और हमारे कर्जों और पापों को हमें क्षमा करे जैसे हम भी अपने कर्जदारों को क्षमा करते हैं, हमें प्रलोभन में ना पड़ने दे किंतु दुष्ट से हमें बचाए, क्योंकि राज्य शक्ति और महिमा तुम्हारी है सदा सर्वदा। हे प्रभु हमारे लिए हानि और क्षतिकारक सबों को तुरंत और शीघ्र बदल दे, जो हमारे लिए शुभ हो लाभदायक हो जाए, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा। शांति आप सब होंगे साथ हो, आपकी आत्मा के साथ भी। बारक मोर अर्पित किए गए पवित्र वस्त्रों का ग्रहण करने से पहले करुणामय प्रभु के सामने हम फिर से अपने सिर नवाए। हमारे प्रभु हमारे ईश्वर तुम्हारे सम्मुख, हे प्रभु तुम्हारी समस्त कृपा और समस्त आशीष एवं समस्त वरदान तुम्हारी कलीसिया धर्म प्रांत और भेड़ों बराकर आवास करे और भर कर बहे, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा। शांति आप सब होंगे साथ हो, आपकी आत्मा के साथ भी। एक सदाराध्य नित्य स्वयंभू श्रेष्ठ महिमामय पवित्र त्रित्व की कृपा और करुणा मेरे प्रिय भाई बहनों आप सब होंगे साथ सर्वदा रहे। बारक मोर हम भरे भक्ति के साथ काते हुए ध्यान दे, हे प्रभु दया कर हम पर करुणा करे। पवित्र रहस्य पवित्र और शुद्ध व्यक्तियों को दिए जाते हैं, एक पवित्र पिता एक पवित्र पुत्र और एक पवित्र आत्मा के सिवाय अन्य कोई पवित्र नहीं है। आमीन। स्तुति हो पिता और पुत्र और जीवन पवित्र आत्मा की जो एक है सदा सर्वदा। एक पवित्र पिता जिन्होंने अपनी कृपा से जगत को सृष्ट किया वे हमारे साथ ही हमारे
साथ है। एक पवित्र पुत्र जिन्होंने अपनी अमूल्य पीड़ा सहन द्वारा उसकी रक्षा की, वे हमारे साथ है। हमारे साथ है। बंद पवित्र आत्मा जो समस्त जो है और जो होगा उन्हें संपन्न और परिपूर्ण करते है, वे हमारे साथ है। हमारे साथ है। आमीन। प्रभु का नाम धन्य हो अनादि से सदा सर्वदा। जग में ईश्वर के संतान बनो, यीशु मसीह उनको तुम बसाना, धर्मियों के संग अपने स्वर्ग धाम में मुरियों राहे राजकुमारी महिमा में। हालेलुया, ओ हालेलुया, दाइन तुम्हारी महारानी। मोहित हो तुम पे राजन, हालेलुया यो हालेलुया। अपने जन पितृ गृह को बोलो तुम बालक मो। शुभ हो लापो लबरो वल रूहो का दीशो, मिन वोलम वादाम वोलम उल्मी नामी। भक्तों का तुम हो अभिमा, तुम में जन्मा इकलौता, हम सब पे करुणा वो करे विनती करना हमारे लिए। सावन कालो स्कुरिये लाए सो, आशीष बन जाए मरियम का सुमिरन, उनकी विनती हमारे लिए आत्मा का किला बालक मो। शुभ हो ला बोल बरोवल रूहो का दीशो, निशामिग कन्या मा मरियम के लिए उठती है हवाओं में धूप सुहास, मुरियों राहे मलयनो वादारे। विंदी अपनी हमारे लिए रुक न देना, पावन माँ इकलौते से विनती करे हम पर करुणा करे वो सदा। धर्मी भलते खजूर समान हालेलुया,
लबनोन के देवदार समान दीर्घायु में भी फलदा हालेलुया बढ़ती है उनकी समृद्धि सदा शुभहोला बोल बरोवल रूहो कादीशो इन बोलं आदामन बोलं उल्मीलामी शुभ सुमीरन होवे मार्तो मा स्वर्ग धरा पर एक सुमिरन का आदर जो करे समय काल स्कुरे लाए सो निर्मल नीबी लोगो राजकुमार की श्लेहा बहोला बोल बरोवल रूहो कादीशो धर्म के वीर शहीदों ईश्वर के पावन सेवकों आपने दिया बन जाए दंडों को और सजा को भी दे मिटा पिता का प्रेम बच्चों पर जैसे हालेलुया वैसे भक्तों पर ईश कृपा मात समान इंसान के दिन हालेलुया पुष्पित खेत में वो फूल समा शुभ हो ला बोल बरोवल रोहो कादीशो मिन बोलं आदामिन बोलं उल्मीनामी तुम्हारी कृपा शरण कारण तुम्हारी मृत सेवकगण जीवन स्वर जगाए कब्रों से परदेसा में स्कुरे लाए सो जीवन दादा राजन ऊंचे नव से आगे अंतर देते जीवन वो सभी मृतकों को कब्रों से अपने में जीवन के संग है उठे जीवन दाता करते हैं तब स्तुति शुभ हो ला बोल बरोवल रोहो कादीशो मेरे शरीर को जो खाए और मेरे रक्त का पान जिसने है या पाता ना जाएगा जी पाए वो सदा इसलिए मुरियो राहे मालेनो आदाले क्रूस
सुपलड के छोर को जैसे मिला प्रभु वरना त्रित्व की स्तुति करते जो मृतकों को भी मिले हम घोषित करते हुए द्वार महिमाने थे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा अनादि से पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी स्तुति सदा सर्वदा हालेलुया हमारी रक्षा के लिए आए और हमारे पुनरुत्थान और हमारे वंश के आनंद नवीकरण के लिए आने वाले ईश्वर के पुत्र तुम्हारे पाप परिहार दायक बलिपीठ से तुम्हारे सेवकों पर पाप परिहार उतर आए प्रभु ईश्वर अपना दृश्य दाहिना हाथ बढ़ाई और अपने आराधकों के समूह को अनुग्रहित करी जो अपने कर्जों की माफी और पापों के मोचन के लिए तुम्हारे सामने मुख प्रसन्नता के लिए तुम्हारा पवित्र शरीर एवं अमूल्य रक्त स्वीकार करते हैं महानीश्वर और हमारे रक्षक यीशु मसीह की करुणा उन पर हो जो इन पवित्र रहस्यों का वहन करते हैं देते हैं और ग्रहण करते हैं एवं उन पर भी जिन्होंने मिनके लिए परिश्रम किया था और जो इनमें भागीदार हुए एवं भागीदार होने वाले हैं ईश्वर की करुणा हम पर और उन पर भी दोनों लोगों में हो सदा सर्वदा आमीन हम पर करुणा कृपा सब पर होवे सदा हालेलुया हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र शरीर और रक्त का अंगारा पाप मोचन और नित्य जीवन के लिए सत्य विश्वासी को दिया जा रहा है तुम्हारी महिमा
तुम्हारी महिमा, तुम्हारी महिमा सदैव हमारे प्रभु और ईश्वर प्रभु यीशु मसीह, तुम्हारा पवित्र शरीर जिसे हमने खाया है और तुम्हारा पवित्र रक्त जिसे हमने पिया है, हमारे लिए न्याय विचार और दंड न बनी, परंतु हम सबों के लिए रक्षा और जीवन बनी। हम सबों पर करुणा करे। सस्याहार के आदि हो चुके हमारे मुख तुम्हारे इकलौते पुत्र के शरीर और रक्त के योग्य बनाने वाली तुम्हारी कृपा के लिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं। उनके द्वारा और उनके साथ एवं तुम्हारे पवित्र आत्मा के साथ तुम्हें महिमा सम्मान और आधिपत्य उचित है अभी सदा सर्वदा। शांति आप सबों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ भी। बारक मोहर अर्पित किए गए पवित्र रहस्य को ग्रहण करने के बाद करुणामय प्रभु के सामने हम फिर से अपने सिर लगाए। हमारे प्रभु हमारे ईश्वर तुम्हारे समान स्वर्गीय रोटी है मसीह, तुम जो हमारा नश्वर आहार बनने के लिए उतराए, हमें अपने आगमन में न बुझने वाली आग आहार न बनाए, ताकि हम तुम्हें मोर तुम्हारे पिता को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा। आमीन। बारे क्यों सबसे ऊंचे नभ में जो बसते ईश्वरो करुण भरे नयनों से तुम्हारी रक्षा करें सबकी, शोभामय जो क्रूस की छाव में दे दे हमको शरण, भक्त तुम्हारे इन पर अपनी बरसावो करुणा। आमीन। अर्पण करते हम सब तुम्हें मी स्तोत्र सदा सर्वदा, गाते हैं स्तुति पिता की तुम्हारे पावन रूह की भी, रक्त तुम्हारा और ये शरीर जो हमने किया है ग्रहण, रक्ष हमारी पालन भी करे दुष्कर्मों से सदा। दानों के अर्पण से शांति मृत जल भी
स्वर्ग निवास में बोलना सेलोन बशलोमो आहा युमन हबीबाय शांति से जाए हमारे भाई बहनों और प्रियजनों आप सबों को पवित्र और महिमामय त्रित्व की कृपा और करुणा को सौंपते हैं उस पादे और आशीर्वाद के साथ जो आप लोगों ने प्रभु की पाप परिहार दायक बलिपीठ से ग्रहण किया है समीपस्थ और दूरस्थ जीवित और मृत प्रभु के विजयी क्रूस द्वारा मुक्त और पवित्र बाप्तिस्मा के चिन्ह से मुद्रित किए गए आप सबों को वे कर्जों की माफी गलतियों की क्षमा और आपके मृतकों की आत्माओं को विश्राम प्रदान करे मैं पापी और बलहीन सेवा करता हूँ आप सबों की प्रार्थनाओं द्वारा मैं दया और सहायता प्राप्त कर सकूं प्रसन्न और आनंदित होते हुए आप शांति से जाइए मेरे लिए सदैव प्रार्थना करें प्रभु आपका कृपा ग्रहण करें और आपकी प्रार्थना द्वारा हमारी सहायता करें कुमार हो तुम ईश्वर के इकलौते तुम जीवन के हर क्षण में आराधे तुम को ईश्वर महिमा तुम्हारी गाते स्तुति हम तुम्हारी करते आशीष हम पर बरसाना तुम कृपा हम पर उसना बरसाना हे प्रेम प्रभु प्रियार्पक याजक पर भी अपनी करुणा दिखलाना हर सेवक पर तुम कृपा छाई कुरीलाई सो हमारे प्रभु हम पर करुणा करे हमारे प्रभु दया पूर्वक हम पर करुणा करे हमारे प्रभु उत्तर देकर हम पर करुणा करे हमारे प्रभु तुमको स्तुति हमारे प्रभु तुमको स्तुति हमारे आश्रय सदा तुमको स्तुति बारिक मोर